यामाहा 15VP0 लाने के लिए प्रदर्शन और सुरक्षा इम्प्रूवमेंट सीशीहर ने कहा। R15 अपने अगले चरण में बेहतर हो जाएगा। हालांकि कोई ब्यौरा क्या वास्तव में विशिष्टताओं की तरह होगा के रूप में साझा किया जा सकता है, लेकिन हम आश्वस्त कर सकता हूँ कि यह एक कदम होगा प्रदर्शन और सुरक्षा के सभी पहलुओं में वर्तमान पीढ़ी से मिलकर अगली पीढ़ी। यामाहा 15 जापान में विकास के अंतर्गत वर्तमान में यह कथित तौर पर इंडोनेशिया में परीक्षण किया जा रहा है। सत्ता रेंडरिंग्स का सुझाव 15 एक विकासवादी नया स्वरूप अपनी तीसरी पीढ़ी के लिए चलती से गुजरना होगा। सभी नए मॉडल यामाहा 15V3 कुछ प्रेरणा के साथ ही काफी अधिक आक्रामक बाहरी सुविधा के लिए उम्मीद है कि भारत में इस वित्त वर्ष में शुरू करने की उम्मीद नहीं कर रहा है और इसलिए अभी यह यामाहा 15V3 पर मानक होगा सही लॉन्च से, क्योंकि अप्रैल 2017 शुरू इंजन के साथ सभी हाल में शुरू दुपहिया वाहन या तो या ऊपर 125cc विस्थापन भारत में मानक के रूप में GBS के लिए आवश्यक हो जाएगा। इसी तरह संयुक्त ब्रेकिंग सिस्टम CBS भी अनिवार्य हो जाएगा।